गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में आज हम विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, एंटोनिम्स जो होते हैं। अग्नि जल, अंत आदि, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, जैसे कोई बड़ा भाई या एक छोटा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन ऐसे। आचार अनाचार, आचार मतलब अच्छा व्यवहार, अनाचार मतलब बुरा व्यवहार। अंधकार प्रकाश, अधिक कम, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जो जिसमें जो हमें हमारे लिए अच्छा होता है, प्रतिकूल जो मतलब जो हमारे लिए बुरी परिस्थितियाँ होती है। आस्तिक जो भगवान को मानता है, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता। आशा निराशा, कृतज्ञ जो एहसान मानता है और कृतघ्न जो एहसान नहीं मानता। गृहस्थ जो घर परिवार में रहता है, सन्यासी जो घर परिवार से विमुख होता है। जय पराजय मतलब जीत हार, जन्म मृत्यु। परतंत्र मतलब गुलाम, स्वतंत्र मतलब आजाद। अपेक्षा मतलब किसी की परवाह करना, उपेक्षा मतलब किसी को अनदेखा करना। आधुनिक नया, प्राचीन पुराना। आदान लेना, प्रदान देना। अमृत विष, आकाश पाताल। आयात निर्यात, आयात निर्यात भी यही है, लेना और देना। उसके बाद कोष्टक में दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये दोनों हैं ग्रह और ग्रह, बोलने में दोनों ग्रह हैं लेकिन इसका अलग मतलब होता है और इसका अलग मतलब होता है। आज अध्यापक ने शुक्र, इसमें आएगा ग्रह, इस ग्रह का मतलब होता है जो प्लैनेट होता है। शुक्र ग्रह पर कुछ ग्रह, इस वाले ग्रह का मतलब होता है घर। बूढ़ी महिला अपनी दीन, इस दिन का मतलब होता है मतलब बुरी बुरी दशा को सुधारने का प्रयास। प्रति इसमें ये वाला दिन मतलब रोज। मेरे घर के डैश एक बगीचा है बाहर, जिसमें आजकल फूलों की बहार। स्टेशन पर सामान रखते समय मैंने देखा कि बहुत से लोगों के सूटकेस एक समान, समान मतलब एक जैसे हैं। हमारी कक्षा के विद्यार्थी, अब देखो दोनों आनंद है लेकिन एक आनंद है बच्चे का नाम आनंद, को दूसरे विद्यार्थियों को परेशान करने में बहुत आनंद मतलब मजा आता है, उसको बहुत आनंद आता है। नीचे लिखे वाक्यों को सही शब्द भरकर पूरा कीजिए, कोष्टक में उसका अर्थ भी लिखिए। जैसे ये बड़े, दोनों में पात्र हमने भरा, जैसे बड़े पात्र में दूध डाल दो, नाटक का मुख्य पात्र मेरा मित्र है। लेकिन इसमें दोनों का मतलब अलग है, इस वाले पात्र का मतलब है बर्तन, बड़े बर्तन में दूध डाल दो, और इस वाले पात्र का मतलब है नाटक का मुख्य किरदार। तो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अलग मतलब है। शत्रु ने किले पर चढ़ाई कर दी और इस पर्वत की चढ़ाई बहुत सीधी है, इन दोनों का अलग ही मतलब। इस वाली चढ़ाई का मतलब है हमला। और इस वाली चढ़ाई का मतलब है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। सूर्य पूर्व से निकलता है और इसके पूर्व में कुछ कहती मेरी सहेली उठ खड़ी हुई, इस पूर्व का मतलब है दिशा, पूर्व दिशा। और इस पूर्व का मतलब है पहले, मतलब इसके पहले कि मेरी सहेली कुछ कहती मैं उठ खड़ी हुई। तो इन दोनों पूर्व का अलग अलग मतलब है। अगला क्वेश्चन है आ या अन लगाकर विलोम शब्द बनाइए। जैसे सुंदर है, अगर इसमें हम आ लगा देंगे तो ये इसका विलोम बन जाएगा असुंदर मतलब कुरूप। कहा और इसमें अगर हमने अन लगा दिया तो अन कहा, ये इसका विलोम बन जाएगा। जान अगर इसमें हमने अन लगा दिया तो इसका विलोम बन जाएगा अनजान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर बिंदी लगा के। योग्य इसमें आ लगा दिया तो ये योग्य का विलोम बन जाएगा अयोग्य। तो हमने इनके आगे लगाए तो ये इनके विलोम बन गए।
अगला है पत्र लेखन। स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखना है, आपके मोहल्ले में या गली में कोई बहुत गंदगी फैली हुई है उसके बारे में आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, आप जिसको लिख रहे हैं उसी को आप संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। अगर लड़की लिख रही है तो चाहती हूँ। हमारी गली में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और नालियाँ गंदगी से भरी रहती हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी कई कई दिनों तक दिखाई नहीं देते। यदि गंदगी की यही दशा रहेगी तो भय है कि कोई संक्रामक रोग फैल जाएगा, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो तो रोग भी फैलेगा। आशा है आप इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। भवदीय, हम सबसे आखिर में आप भवदीय लिखोगे क्योंकि आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसमें आपका आज्ञाकारी वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो आप जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तब लिखा जाता है। और अगर आप ऐसे इस तरह का कोई पत्र लिखते हैं तो इसमें भवदीय आएगा। अगर लड़की लिख रही है तो भवदीया पीछे आके मात्रा आके भवदीया बन जाएगा। नाम, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना पता लिखेंगे, जो भी आपका पता है। थैंक यू।